नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल हिंदी मेडिकल में। आज फिर एक हेल्थ वीडियो के साथ मैं सोनू ठाकुर उपस्थित हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुड हेल्थ कैप्सूल और पुरुष जीवन कैप्सूल के बारे में। ये दोनों कैप्सूल बाजार में आज के समय में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, खास तौर पर मोटा होने के लिए। मोटा जिसको भी होना है वो दोनों कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहा है, और खासतौर पर गुड हेल्थ कैप्सूल का ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मोटा होने के लिए। पुरुष जीवन पहले ज़्यादा चलता था, इस समय कम चला। इस समय सबसे ज़्यादा लोग गुड हेल्थ कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तेज़ी से मोटा होने के लिए, तेज़ी से हेल्थी होने के लिए। जो भी दुबला पतला है चाहता है तेज़ी से मोटा, उसके लिए गुड हेल्थ कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा नेट पर इसके वीडियो भी आ गए हैं, तो लोग इसी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको तीन इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, खासतौर पे वो लोग जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में यही तीन बातें का डाउट रहता है, जो आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों गुड हेल्थ कैप्सूल और पुरुष जीवन कैप्सूल इस्तेमाल करने वालों में सबसे बड़ा डाउट यही रहता है क्या एक स्टेरॉइड मशीन है, क्योंकि स्टेरॉइड मशीन को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, क्योंकि स्टेरॉइड मशीन शुरू में काफ़ी तेज़ी से फायदा करता है लेकिन आगे जाकर उसके नुकसान भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो इसलिए लोग स्टेरॉइड मशीन इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। तो आपको एक बात मैं बता दूं, जो गुड हेल्थ कैप्सूल पाया जाता है उसमें सभी कंपोजिशन आयुर्वेदिक औषधियाँ, उसमें एक कंपोजिशन आपको स्टेरॉइड पाया जाता है, जबकि पुरुष जीवन कैप्सूल में सभी आयुर्वेदिक औषधियाँ पाई जाती है, उसके सारे कंपोजिशन आयुर्वेदिक, उसमें कोई भी स्टेरॉइड नहीं पाया जाता। तो आप समझ सकते हैं गुड हेल्थ कैप्सूल वो स्टेरॉइड मशीन है, उसमें एक कंपोजिशन पाया जाता है सोडियम बेंजोइट, वही स्टेरॉइड मशीन है जिसके कारण वो काफ़ी तेज़ी से काम करता है। पुरुष जीवन थोड़ा धीरे काम करता है क्योंकि उसमें स्टेरॉइड नहीं पाया जाता है, तो थोड़ा लेट काम करता है, लेकिन आज के समय में काफ़ी ज़्यादा लोग गुड हेल्थ कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से भूख लगा रहा है, काफ़ी तेज़ी से हेल्थी कर रहा है, लेकिन उसमें स्टेरॉइड पाया जाता है, इसी कारण उससे थोड़ा आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। जबकि पुरुष जीवन में आपको कोई भी ऐसी औषधि नहीं पाई जाती जो स्टेरॉइड है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। गुड हेल्थ स्टेरॉइड मशीन है, पुरुष जीवन स्टेरॉइड नहीं है, दोनों में यही मुख्य अंतर है, एक स्टेरॉइड है एक स्टेरॉइड नहीं है। अब दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा डाउट होता है गुड हेल्थ कैप्सूल और पुरुष जीवन कैप्सूल में इसकी एमआरपी को लेकर। इसका एमआरपी लगभग काफ़ी ज़्यादा लिखा और काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी मिलता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा भी मिलता है, हर जगह अलग अलग मिलता है। आप ऑनलाइन गुड हेल्थ कैप्सूल लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलेगा, 10-15 डिब्बिया मिल जाता है, 200-250 मिल जाता है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है क्या ये फेक है यानी डुप्लीकेसी है, और जबकि पुरुष जीवन में थोड़ा कम है, पुरुष जीवन में दुकान वाला ही कम बेसी कर सकता है, आपको ऑनलाइन तो लोगों को ना के बराबर मिलता है, जबकि गुड हेल्थ कैप्सूल ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा बिकता है और दुकान वालों पर भी इसका रेट फिक्स है ही नहीं, तो लोगों को मन में कन्फ्यूज रहता है क्या ये डुप्लीकेसी है, क्या रेट फिक्स नहीं है, तो क्या जेनरिक ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में डर रहता है इसके एमआरपी को लेकर, कितने में हम इसका ले, क्योंकि एमआरपी तो काफ़ी ज़्यादा लिखी है, कहीं सस्ता मिल जाता है कहीं महंगा मिल जाता है। तो आज मैं आपको ये डाउट भी क्लियर करूँगा, आप कितने तक इसमें इसको ले सकते हैं आसानी से और आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। जैसे गुड हेल्थ कैप्सूल है आप इसको 232 एमआरपी आप देख सकते हैं, 232 इसकी एमआरपी है, आप इसको 130 और 150 के बीच में ले लीजिए। काफ़ी ज़्यादा देख रहे होंगे दुकान वाला तो 200 के आसपास देता है, कभी 230 का भी दे देता है, लेकिन आप 130-50 कर रहे हैं तो 130-50 में वो आपको आसानी से दे देगा क्योंकि इसमें बचत काफ़ी है, इसीलिए ऑनलाइन भी ये काफ़ी सस्ता मिलता है। डुप्लीकेसी भी होती है लेकिन उतना डुप्लीकेसी नहीं होता क्योंकि इसमें ज़्यादा फायदा है, तो दुकान वाला भी उतना डुप्लीकेसी नहीं करना चाहता है। तो आप इसको 130-150 के बीच में ले लें, आसानी से आपको मिल भी जाएगा, दुकान वाले से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे मिल जाएगा। 232 एमआरपी है लेकिन 130-150 देने पर उसको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, तो वो दे देगा आपको आसानी से। अब पुरुष जीवन कैप्सूल का बात करें तो इसका इस समय एक डब्बे की एमआरपी 222 रुपये चल रही है, ये आपको 190-180 के आसपास आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों कैप्सूल है लोग डब्बे डब्बे के लेते हैं। गुड हेल्थ तो एक डिब्बी 50 गोली कहते हैं डिब्बी ही लेता है लोग, लेकिन जो पुरुष जीवन होता है इसके एक दो दो पता भी लोग लेते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जिसको इस्तेमाल करना क्योंकि एक दो महीने तक इस्तेमाल करना रहता है तो एक एक डिब्बा लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को यही रहता है कि 2-3 डिब्बा इस्तेमाल किया तभी जाकर हेल्थी और मोटे हुए, तो डिब्बा लेते हैं। तो आप पुरुष जीवन कैप्सूल को 180 और 190 के बीच मिले, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, दुकान वाला भी आपको आसानी से दे जाएगा। 220 के ऊपर कभी ना ले, 200 के नीचे ही ले, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं एमआरपी कितना भी लिखा हो, आप इसी एमआरपी के बीच में ले लीजिएगा, दुकान वाला भी आपको दे देगा। अब बात करें दोस्तों गुड हेल्थ कैप्सूल और पुरुष जीवन कैप्सूल में तीसरा सबसे बड़ा डाउट रहता है लोगों को, क्या ये सेफ है इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि इसकी कंपनी आयुर्वेदिक औषधि वाले जितनी कंपनी है वो बोलते हैं कि आयुर्वेदिक औषधि के साइड इफेक्ट नहीं होते, इसी लाने में ज़्यादा लोग इसको लेते भी है, क्योंकि अंग्रेजी मशीन के साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए अंग्रेजी मशीन लोग नहीं लेना चाहते, क्योंकि एक दो महीने इस्तेमाल करना तो अंग्रेजी मशीन नहीं इस्तेमाल करना चाहते क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, जबकि आयुर्वेदिक औषधि वाले कंपनियां बोलते हैं कि इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर है क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके भी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। गुड हेल्थ कैप्सूल इस्तेमाल करने में अधिकतर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि चेहरे पर पिंपल्स निकलता है, अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम होता है कि जब ये शरीर में गर्मी करता है तो चेहरे पर पिंपल्स निकलना रहता है, ये सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि जब आप इसका इस्तेमाल करना छोड़ते हैं तो धीरे धीरे आप पतले होने लगते हैं, दुबले पतले होने लगते हैं, पहले से भी ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं, और ज़्यादा लोगों को लीवर का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये सब साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं।
गुड हेल्थ कैप्सूल में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि स्टेरॉइड मेडिसिन काफी तेजी से काम भी करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा तेजी से आपको साइड इफेक्ट भी दिखाते हैं। थोड़ा पुरुष जीवन में कम देखने को मिलता है, इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर लगभग बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जबकि गुड हेल्थ कैप्सूल के ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो दोनों में आप देख सकते हैं किसके ज्यादा साइड इफेक्ट, किसके कम साइड इफेक्ट है। उसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि किसी भी दवा को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना काफी जरूरी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे होम्योपैथिक हो। लेकिन इसको अगर आप मोटा होना चाहते हैं, सही रियल में मोटा होना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी के कहने पर जाके लिए और खा रहे हैं, मोटा हो रहे हैं, ठीक है छोड़े, फिर वैसे ही पतले हो गए, तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना और छोड़ना काफ़ी जानना जरूरी है। इसके लिए आप पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर के देख रेख में इसका इस्तेमाल करें। दो तीन एक दो महीने इस्तेमाल करेंगे आप हेल्थी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, छोड़ने के जैसे डॉक्टर बनेगा वैसे ही छोड़िएगा, तो आपको नुकसान भी नहीं होगा, साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। खासतौर पर पुरुष जीवन में तो लगभग ना के बराबर आपको नुकसान मिलेगा, गुड हेल्थ में आप डॉक्टर के देख रेख में बिना डॉक्टर देख में नहीं लीजिएगा। ऐसे लोग लेते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिए और उसी हिसाब से डॉक्टर के सलाह पर भी इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप बता सकते हैं दोनों में आप किसका इस्तेमाल किया और आपको क्या साइड इफेक्ट, उन्हें क्या फायदे मिले, दोनों आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर।